नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी पे। उड़ान स्टडी लेके आए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति करने के लिए। दोस्तों चलिए आज देखते हैं उड़ान स्टडी के करंट अफेयर्स वाली क्लास में करंट अफेयर्स। इसके पहले आपको बताए थे हम कि सुबह 10 बजे हमारा रीजनिंग का क्लास चलता है आपके इसी चैनल पे, और शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स क्लास। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स क्लास, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाला हर एक वीडियो, उड़ान स्टडी पर आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज हम जानेंगे भारत में CDS का एक नया पद है। CDS का एक नया पद है, और CDS क्या होता है, CDS क्यों लाया गया है। CDS का फुल फॉर्म होता है आपको दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके प्रमुख बने हैं बिपिन रावत। CDS के प्रमुख बने हैं बिपिन रावत। और CDS क्यों लाया गया है, पहले हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के सेनापति होते थे कौन, राष्ट्रपति जी होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। लेकिन थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों सेना अध्यक्षों के बीच और राष्ट्रपति के बीच एक सामंजस्य बैठाने के लिए एक CDS का पद लाया गया है दोस्तों। CDS का पद लाया गया है, CDS के और CDS के प्रमुख बने हैं जब बिपिन रावत जी बने हैं। तो जब ये इन तीनों में कोई भी बात विचार वार्तालाप होगा तो डायरेक्ट अब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी से बात नहीं हो पाएगी, डायरेक्ट राष्ट्रपति जी से बात नहीं होगी। किससे बात होगी, ये CDS से बात करेंगे, CDS से बात होगी, और CDS जाके आपके राष्ट्रपति जी से बात करेंगे। आपको कोई भी समस्या, कोई भी वार्तालाप की कुछ भी होता है, पहले तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख कौन थे, तीनों सेनाओं के सेनापति थे, राष्ट्रपति थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब CDS आ गया है। इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर, जैसे मीडिएटर होता है, अब ये इनसे CDS से कहेंगे, CDS जाके राष्ट्रपति से। पहले क्या होता कि तीनों लोग उठ के जाते थे डायरेक्ट राष्ट्रपति जी के पास, लेकिन ऐसा कुछ अब नहीं है। CDS का पद इसीलिए लाया गया है। तो CDS का फुल फॉर्म हो गया आपका चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। और इसके प्रमुख है बिपिन रावत। इसके प्रमुख कौन बने हैं, बिपिन रावत है। ये सोच लिए बिपिन रावत भारत के पहले CDS हैं। क्वेश्चन है पूछ दिया, भारत के पहले CDS कौन है, भारत के पहले CDS कौन है, तो आप बताइएगा बिपिन रावत। बिपिन रावत। आज हम पढ़ेंगे सभी सेनाओं के सेना अध्यक्ष, सेना प्रमुख। चलिए ये बताइए आपका, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि IB के अध्यक्ष कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, IB के अध्यक्ष कौन है, NIA के अध्यक्ष कौन है, NIA के अध्यक्ष कौन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। चलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है, आप बताइए। भारत के पहले CDS कौन बने हैं, बिपिन रावत जी बने हैं। भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी बने। और IB के अध्यक्ष कौन है, अरविंद कुमार। IB के अध्यक्ष कौन बने हैं, IB के अध्यक्ष बने हैं अरविंद कुमार। और IB के अध्यक्ष बने हैं अरविंद कुमार। और NIA का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष हैं। इसके प्रमुख कौन से, YC मोदी। राष्ट्रीय भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं आपके आर के सिंह भदौरिया। RK सिंह भदौरिया। अगर आपको ये पूछ दिया कि भारतीय वायुसेना के चौथे अध्यक्ष हैं, चौथे सेनापति हैं, सेना प्रमुख हैं, भारतीय वायुसेना के चौथे सेना प्रमुख, तो आप बताइएगा कि भारतीय वायुसेना के यानी कि एयरफोर्स के 26वें प्रमुख कौन है, RKS भदौरिया है। 26वें कौन सा है, 26वें प्रमुख कौन सा है, RKS भदौरिया है। 26वें पद कौन सा है आपका,
आरकेएस भदौरिया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, आपके समझ में आ गया सीडीएस क्या है। भारत में सीडीएस का पहला पद है, नया आया है। सीडीएस क्यों बनाया गया है? तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, अब देखेंगे भारतीय तिब्बत पुलिस आईटीबीपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आईटीबीपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब को कब हुई थी। चलिए इसकी स्थापना आपको दोस्तों इसकी हुई थी 1962 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली है। और आईटीबीपी की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। और इसका मोटो क्या है, सौर निष्ठा। अब कभी कभी आपको मोटो भी पूछ ले रहा है क्वेश्चंस में, तो इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है सौर दृढ़ता और कर्म निष्ठा। इसके मोटो है सौर दृढ़ता और कर्म निष्ठा। चलिए अब इसके अध्यक्ष कौन है, सुरजीत सिंह रसावल। चलिए आप जान गए आईटीबीपी के अध्यक्ष कौन है, सुरजीत सिंह रसावल है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है आपका, सौर दृढ़ता और कर्म निष्ठा। और इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। आप लोग इसको देखते रहिए और इसको आप नोट कर लीजिए, आपको कहीं नोट कर लीजिए, आपको अगर आपको पूछ देगा स्थापना कहाँ हुआ था, इसका मुख्यालय मोटो कुछ भी एक पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में आईटीबीपी के अध्यक्ष ही पूछेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आप चलते हैं आपका अगले नेक्स्ट, हाँ देखते हैं आप दूसरा क्या है आपका, राष्ट्रीय एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है, एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मोटो क्या है और इसका स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फोर्स। एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन बने आपका एस एन प्रधान। एनडीआरएफ के अध्यक्ष बने आपका एशियन प्रधान। और इसका इसका मोटो क्या है, आपदा सेवा सदैव। तथा इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ आपका, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये 2006 को इसका स्थापना किया गया था 2006 को स्थापना किया गया था। तो एनडीआरएफ का पूछ लिया आपको क्या होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का अध्यक्ष कौन है, एस एन प्रधान। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसको कब स्थापना किया गया था दोस्तों, इसको स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर में, ठीक है। इसका मोटो क्या है, आपदा सेवा सदैव। चलिए आप इसको नोट करते रहिए। अब देखेंगे थल सेना, भारत के थल सेना क्या होता है, थल सेना और इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका
मोटो क्या है? थल सेना। थल सेना, थल सेना के प्रमुख कौन है? आर्मी, जिसको आर्मी बोलते हैं। आर्मी के प्रमुख कौन है? आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मोटो क्या है? आर्मी का मोटो क्या है? आर्मी का मोटो क्या है? तो चल, इसका आर्मी के प्रमुख कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरोड़े। मनोज मुकुंद नरोड़े बने हैं। मनोज मुकुंद नरोड़े। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन उनके उनको सीडीएस बनाया गया था, बनाया गया इस समय उनको सीडीएस बनाया गया, इसलिए उनके स्थान पे अब कौन आ गए हैं? मनोज मुकुंद नरोड़े। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसका मोटो क्या है दोस्तों? इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस, सर्विस बिफोर, इसका बिफोर सेल्फ है। और एक इसका कब मनाया जाता है? आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपका आर्मी डे मनाया जाता है। कब? आपका 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय आपका हो गया, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ। और आर्मी के प्रमुख कौन बने हैं? ये और एक चौथे बने हैं आर्मी के प्रमुख, ये 28वें बने हैं, मनोज मुकुंद नरवणे जी। मनोज मुकुंद नरवणे, नरवणे ये 28वें थल सेना के प्रमुख बने हैं। ठीक है, 28वें थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। और ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? आपका 15 जनवरी, 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना अगर पूछ देगा तो आपका इसका स्थापना कब हुआ था? आर्मी का स्थापना 1 अप्रैल 1892 को हुआ था। आर्मी का स्थापना 1 अप्रैल 1892 को, 1895 को हुआ था, 95 को हुआ था, 1895 को हुआ था। ठीक है, चलिए, आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इसको 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मोटो अगर पूछ देगा कि आर्मी का मोटो क्या है, आर्मी का मोटो क्या है, तो आर्मी का मोटो है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सेवा, खुद से पहले सेवा करना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। और इसमें अगर पूछ देगा कि भारतीय सेना के कमांड, भारतीय सेना के कमांड, भारतीय सेना के चार कमांड होते हैं, भारतीय सेना के चार कमांड होते हैं, भारतीय सेना के चार कमांड होते हैं, कितने कमांड होते हैं आपका? एक, एक में क्या हो गया आपका कि उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड हो गया आपका। फिर इसके बाद से आपका दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड हो गया, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड हो गया, पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड हो गया। अब आपका चौथा कौन सा हो गया? पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड हो गया। चलिए, इसके इस चारों कमांड के, इस चारों कमांड के अध्यक्ष कौन है? इस चारों कमांड के अध्यक्ष कौन है, कौन है? तो उत्तरी कमांड के अध्यक्ष कौन है? उत्तरी कमांड के अध्यक्ष कौन है आपका? योगेश कुमार जोशी। योगेश कुमार
योगेश कुमार जोशी। पश्चिमी कमांड के अध्यक्ष कौन है? पश्चिमी कमांड के हैं आरपी सिंह। पश्चिमी कमांड कौन सा है? आरपी सिंह। पश्चिमी कमांड के अध्यक्ष कौन है आपका? आरपी। पश्चिमी कमांड के अध्यक्ष कौन है आपका? आरपी सिंह है। पश्चिमी कमांड के अध्यक्ष कौन है आपका? आरपी सिंह है। और अगर पूछ देगा आपको दक्षिणी कमांड का अध्यक्ष, तो आपका होगा सीपी महंती। सीपी महंती, सीपी महंती, सीपी क्या होता है? महंती। और आपका पूर्वी कमांड क्या होगा आपका? अनिल चौहान। तो भारतीय सेना के चार कमांड होते हैं, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी। दक्षिणी के, उत्तरी के आपका प्रमुख होते हैं कौन सा? योगेश कुमार जोशी। दक्षिणी के होते हैं आपके मनोज कुमार, सीपी महंती और आरपी सिंह होते हैं। पश्चिमी के, पूर्वी के होते हैं अनिल चौहान। अनिल, अनिल चौहान। अगर आपको भारतीय सेना के चार कमांड के साथ साथ आपका चारों कमांड पूछ देगा, चारों कमांड के साथ साथ चारों कमांड का अध्यक्ष पूछ देगा और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ देगा, इसका हेड का हेडक्वार्टर भी पूछ देगा, तो उत्तरी कहाँ है आपका? उधमपुर। उधमपुर, उधमपुर कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। उधमपुर कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू कश्मीर पड़ता है। और आपका दक्षिणी कहाँ है आपका? दक्षिणी का हेडक्वार्टर है आपका पुणे में। पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। तो और पश्चिमी कमांड आरपी सिंह है इसके, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? पश्चिमी कमांड का, कमांड का हेडक्वार्टर है, पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर है आपका चंडी मंदिर। चंडी मंदिर। और चंडी मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। और आपका पूर्वी कमांड बचा, पूर्वी कमांड के अध्यक्ष अनिल चौहान जी हैं। अनिल चौहान जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? कोलकाता में। कोलकाता में। देख लिया आप सेना के चारों कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पश्चिमी कमांड और पूर्वी कमांड। उत्तरी कमांड के अध्यक्ष कौन है आपका? योगेश कुमार जोशी। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड के कौन है आपका? सीपी महंती जी हैं। दक्षिणी कमांड के अध्यक्ष सीपी महंती जी हैं। और इसका मुख्यालय आपका पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। और पश्चिमी कमांड के अध्यक्ष कौन है? पश्चिमी कमांड के अध्यक्ष कौन है बताइए आप? आरपी सिंह है। पश्चिमी कमांड का अध्यक्ष कौन है? आरपी सिंह है। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में पड़ता है। चंडी मंदिर चंडीगढ़ में पड़ता है। और पूर्वी, सबसे लास्ट कमांड और पूर्वी कमांड का अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं अब इसके बाद नौसेना, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नौसेना कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बताइए नौसेना के अध्यक्ष कहाँ है? नौसेना के अध्यक्ष बताइए, नौसेना के बताइए अध्यक्ष कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, इसको कब स्थापित किया गया था, इसका स्थापना कब हुआ था? तब तक हम इंक डाल लेते हैं। चलिए आप बीएसएफ के अध्यक्ष बताइए, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएसएफ का अध्यक्ष बताइए। सीआईएसएफ का बताइए, सीआईएसएफ बताइए। आरपीएफ बताइए, आरपीएफ का नाम बदल क्या रखा गया आपका? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आपका हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल से आपका क्या हो गया है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस हो गया है। चलिए नौसेना का बताइए, नौसेना, नौसेना बताइए, नौसेना के प्रमुख बताइए। नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख कौन है? तो कौन है? एडमिरल
करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि एडमिरल आपका एक पद है और करमबीर सिंह का नाम है, एडमिरल करमबीर सिंह है। और नौसेना दिवस को कब मनाया जाता है? ये इसको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस, नौसेना का मुख्यालय कहाँ है आपका? हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली है, नौसेना का हेडक्वार्टर दिल्ली है। और ये कौथे सेना प्रमुख बनाए गए हैं, नौसेना के सेना प्रमुख कौथे बनाए गए हैं आपका, ये बनाए गए हैं आपका 24वें, ठीक है 24वें। और इसके बाद नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को, कब? 4 दिसंबर को, ठीक है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? इसका मुख्यालय दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली है। आप समझ में आ गया आपको, नौसेना के प्रमुख कौन? एडमिरल करमबीर सिंह है, जो कहते हैं 24वें है, एडमिरल करमबीर सिंह कहते हैं 24वें। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। चलिए इसके प्रमुख बताइए और इसका स्थापना बताइए कब हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए, इसका मुख्यालय क्या है? इसके प्रमुख कौन है? इसके एनएसजी के प्रमुख कौन है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके प्रमुख है आपका अनूप कुमार सिंह। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था आपका 1984 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। तो आप एनएसजी समझ गए, एनएसजी क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है। और इसके अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? अनूप कुमार सिंह, ठीक है। चलिए आप एनएसजी भी देख रहे हैं, अब देखेंगे बीएसएफ क्या कहते हैं हम? सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल। चलिए इसके बताइए, इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष कौन है? विवेक कुमार जौहरी। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके चेयरमैन कौन है? विवेक कुमार जौहरी। इसका कब हुआ था स्थापना? इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को। इसका स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसके महानिदेशक कौन है? ये तो बीएसएफ के अध्यक्ष हैं, इनका वीके जो नाम है। लेकिन अगर इसमें पूछ दिया कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं अभिनव कुमार जी, महानिदेशक अभिनव कुमार जी।
अभिनव कुमार जी। तो BSF देख लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, इसके अध्यक्ष कौन है? VK जौहरी है, विवेक कुमार जौहरी। और इसको 1 दिसंबर 1965 को स्थापना किया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक कौन है? अभिनव कुमार। इसके महानिदेशक कौन है? अभिनव कुमार। चलिए अब देखते हैं CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके हेड कौन है? इसके CISF के हेड कौन है? इसके हेड है आपके राजेश रंजन जी हैं। इसके कौन है? इसके हेड राजेश रंजन जी हैं। राजेश रंजन है इनका मुख्यालय। इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय क्या है आपका? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च इसका स्थापना हुआ था आपको 10 मार्च 1969 को। इसका स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। चलिए आप बताइए CISF के मोटो क्या है बताइए। मोटो भी पूछ देगा तो आप क्या लिखेंगे? मोटो क्या है? इसका मोटो है संरक्षण और सुरक्षा। CISF के मोटो क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। CISF के हेड कौन से हैं? राजेश रंजन जी। इसका स्थापना कब हुआ आपका? तो ये 10 मार्च 1969 को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका SSB। SSB क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल होता है। SSB आपका SSB के हेड कौन सा है? आपके राजेश। SSB के हेड कौन सा है? कुमार राजेश चंद्र। इसके हेड कौन सा है कुमार राजेश चंद्र। CISF के कौन थे? राजेश रंजन थे। और इसके राजेश चंद्र हैं। बिल्कुल सेम मिल रहा है नाम में, इसलिए आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, राजेश चंद्र। इसके स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना बताइए। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगर इसका मोटो पूछ देता है तो क्या होगा? इसका मोटो क्या होता है? SSB का मोटो क्या होता है? कि सेवा सुरक्षा और भाईचारा। इसका मोटो हो जाएगा आपका सेवा सुरक्षा और भाईचारा। ठीक है, SSB भी आप लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे हम कि ITBP क्या होता है। चलिए अब ITBP देखेंगे। ITBP एक जगह देख लिए, ITBP तो हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे हम, हाँ ITBP नहीं पढ़े, ITBP देखते हैं क्या होता है। भारतीय तटरक्षक बल। लेकिन ITBP नहीं, ITBP तो हमने पढ़ लिया। हाँ ITBP पढ़ लिए हैं, भारतीय तिब्बत पुलिस होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल इसको क्या बोलते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। चलिए इसके बताइए आप, इसके हेड कौन से हैं?
इसके हेड कौन से हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसके हेड कौन सा है, कृष्ण स्वामी नटराजन, कृष्ण स्वामी, इसका इसके हेड कौन सा है, कृष्ण स्वामी नटराजन, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 अगस्त को, 18 अगस्त को हुई थी, इसके मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है, कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में, 18 अगस्त 1978 में हुई थी। तो आप याद करिएगा, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसके हेड कौन से हैं, कृष्ण स्वामी नटराजन है। स्थापना आपको हुआ था 18 अगस्त 1978 को, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसको 1 फरवरी को मनाते हैं हम, कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बताइए, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, चलिए बताइए, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन सा नियुक्त किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के पता है नए कमिश्नर कौन है नियुक्त किए गए, तो ये किए गए आपको एस एन श्रीवास्तव, कौन नियुक्त किए गए आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नए नए में नियुक्त किए गए हैं, एस एन श्रीवास्तव। चलिए अब बताइए कि सीबीआई के हेड कौन से हैं, सीबीआई के फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ये बताइए आपको सीबीआई के हेड कौन से हैं, ऋषि कुमार शुक्ला अभी हाल ही में बनाए गए हैं, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था आपका 1941 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, नई दिल्ली। तो हमने पढ़ लिया दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन है, और ITBP पढ़ लिया, इंडियन कोस्ट गार्ड पढ़ लिया, भारतीय सेना और उनके चारों कमांड के बारे में पढ़ लिया, और इंडियन नेवी पढ़ लिया, भारतीय नौसेना और भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स पढ़ लिया, भारतीय वायुसेना, CDS पढ़ लिया, जो कि CDS हमारे लिए बहुत एक नया आया है, नया पद आया भारत में एक CDS। CDS को आपको बारे में पहले बता दिया गया कि अब तीनों सेना और राष्ट्रपति के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए यह पद लाया गया है। अब कोई भी तीनों सेनाओं के प्रमुख डायरेक्ट राष्ट्रपति जी से जाके बात नहीं कर सकते हैं, आप CDS से बात करेंगे, CDS जाके वहाँ बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपका हो गया CBI भी हो गया आपका। अब तो CISF के हेड कौन सा है आपका, तो ये आपका आनंद प्रकाश माहेश्वरी। CISF नहीं, CRPF है, CRPF के हेड कौन सा है, CRPF के हेड कौन सा है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय
हेलो केंद्रीय सुरक्षा बल, इसका हो जाएगा आपका केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल। चलिए, और इसके आपको पता चल गया इसका हेड कौन सा है, इसका हेड हो गए आपका, इसका हेड हो गए आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अब चलिए बात करते हैं आरपीएफ की। आरपीएफ का नाम बदल के क्या रखा गया है? आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, आरपीएफ। आरपीएफ का नाम बदल के क्या रखा गया है? आरपीएफएस, आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसके हेड कौन सा? इसके हेड हैं आपके, इसके हेड हैं अरुण कुमार जी, अरुण, इसके हेड अरुण कुमार है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो क्या है? इसका स्थापना 27 जुलाई 1872 को हुआ था, 27 जुलाई 1872 को हुआ था। और इसका मोटो क्या है? यशो लभस्व, ये जो संस्कृत का शब्द है यशो लभस्व। तो आपने पढ़ लिया आरपीएफ के बारे में, आरपीएफ का नाम बदल के क्या रखा गया है? आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और इसके हेड कौन से हैं? रेलवे सुरक्षा बल के अरुण कुमार जी हैं। इसके हेड कौन से हैं? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1872 को किया गया था। चलिए दोस्तों, आज तक यही वीडियो, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने भाई के लिए, इस वीडियो को आप उस सभी भाइयों के पास पहुँचाइए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, आपको क्या दिक्कत है इसमें। कोई भी अगर पसंद, देखिए डिसलाइक करने वालों तो वो तो देखते भी नहीं है वीडियो, तो डिसलाइक कर देते हैं, ये तो होता ही है। कोई सही नहीं करता हर चीज़ को, कोई सही नहीं करता, आप उसके पीछे मत भागिए, आप देखिए कि उसमें क्या सही है, कम से कम आप वीडियो देखिए तो सही, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुबह 9 बजे रीजनिंग क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।